ये देखो गोवर्धन महाराज कैसे कितने सुंदर बनाए हैं भाई। ये मेरी दीदी ने बनाए हैं। सारे आए हैं भाई डोली लेके, ये हमारे सिरे भी खड़े हैं और ये सारे थैली में डोली में डलवा रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 4, क्योंकि चाचा ने कल फ़ोन किया था कि सुबह 4 बजे आ जाना और वहाँ पे काम करवाना है, तो अभी 4 बज गए हैं। थोड़ी अभी देर पूजा भी करनी है, उसके बाद घर वहाँ जाएंगे मंदिर में। तो मैंने जतिन ब्रो के पास फ़ोन कर दिया। जतिन भाई ने बोला कि आधा घंटा लगेगा, क्योंकि अभी देर इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे सोए पड़े हैं भाई, और तेज से बोलूँगा तो उठ जाएंगे, मैं तो उठा ही हूँ, तो सारे सोए पड़े हैं। तो एक बार अभी मैं जल्दी से थोड़ी सी पूजा वगैरह कर लेता हूँ, जो सुबह 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 करता हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद फिर जतिन भाई आ जाएंगे तो फिर मंदिर जाना ही है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पे कैसे अन्नकूट बटता है, मतलब पहले बनता है, क्या क्या अन्नकूट में बनता है, मतलब मिक्स वेज होता है, कढ़ी होता है, चावल होता है, मूंग होते हैं, बाजरा होता है, और बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ कुछ हो जाता है अलग अलग मंदिर में, अलग अलग होता है। जैसे कुछ मालपुए बनाते हैं, कुछ कांजी के बड़े बनाते हैं, कुछ पूरी बनाते हैं। तो अब देखते हैं हम दो मंदिरों में जाने वाले हैं तो इनमें क्या बनेगा। हो सका तो दोनों में जाएंगे, लेकिन क्या पता ना हुआ तो क्या पता एक में ही जा पाए। तो चलिए गाइस बस एक बार जल्दी से चलते हैं। तो भाई मैं और जतिन ब्रो फिर अब वहाँ पे जाने के बाद अब आगे समाधा एकदम सूर्य भगवान अभी निकले ही हैं और हम यहाँ पे आ गए थे इनको दाना डालने। दिखाता हूँ आपको ये बतखें। अरे भाई ये बतख ये भी परली तरफ चाल पड़ी, उस तरफ वे आंटी दाना डालने लाग रही है भाई। पहले इस तरफ डाले तो इस तरफ थी, अब उस तरफ डाल दिए डालने लाग रही हैं, तो ये उस तरफ डालेंगी। परली तरफ तो भाई भी डाल का आया है, आधी इस तरफ जा रही हैं इस करके। अरे हमारे जतिन ब्रो ये इसके भाई पप्पी फ्रेंड बन गया भाई। ये देख ये देख हेलो करा है, तगड़ा फ्रेंड बन गया तू तेरा, देख तो है। पूछ देख इसकी पूछ लगता है, पूछ इसकी अलग है। मैंने इसकी रोटी भी डाली भाई, मेरी रोटी कौन खाओ है, स्पेशल इसी के दौरे जाओ, देख जतिन के दौरे। ये इतनी देर में कैसे तैयारी कर रही थी, घड़ा तगड़ा इसने सोचा ना कि मारा है तू इसके नहीं। देख ओ तेरा हाथ तो ले भाई, मैंने डाली मेरे हाथ तो खाई भी कौन है इसने, देख पपी पपी फ्रेंड फ्रेंड। पपी 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 फ्रेंड फ्रेंड ये देख उस्ताद ये लेके चलेंगे, सिस्टम है छोरा है, सही है होता है तो पाड़ लेने। देख ए बेटे देख कसुत्ता उस्ताद, उस्ताद कसुत्ता तगड़ा, देख नहीं मस्त है ना, कुतिया आया, कुतिया आया पक्का। हाँ चल चलेंगे रे चाचा, वेट करते पाऊंगे दोबारा तो अपना, देख ये देख भाई समझदार कुतिया आया कति, देख और इस भाई की फैन हो रही है या जतिन की। हाँ देख पपी पपी फ्रेंड फ्रेंड। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जुझार बाबा मंदिर, पता ही आपको सुबह ही आ गए थे भाई, ये हमारे जुझार बाबा जी की जय। तो यहाँ पे सब तैयार कर रहे हैं, हमारे जतिन ब्रो सामने खड़े हैं भाई, और हमारा जतिन ब्रो ये प्रसाद तैयार हो रहा है भाई, मूंग की दाल मोट और चावल। तो भाई ये अन्नकूट का प्रसाद चाचा ने सवेरे ही पहले 4 बजे उठा दिया भाई, आ जाना 4 बजे आए हैं, 4 बजे तड़के किए, ये लवाई है हमारे चाचा ने 4 बजे बुला दिया, 4 बजे ही कढ़ी चढ़ा रखी थी, और भाई 4 बजे की अब तक बनी नहीं है कड़ी भाई। और दिखाते हैं आपको ये पालक काट रहे हैं, ये बैंगन कटे हुए हैं, आलू काट रखे हैं भाई मिक्स वेज के लिए, ये मसाला तैयार हो गया पूरा। ये रहे हमारे सुमित ब्रो, मसाला तैयार हो गया अन्नकूट के लिए, ये सुमित ब्रो थोड़ा सहयोग कर रहे हैं अन्नकूट में। देख लो भाई हमारे सुमित भाई
मसाला तैयार कर रहे हैं अनकट के प्रसाद के लिए, मिक्स वेज। वाह, कड़ी बन रही है, मोमोज वाली चटनी तैयार हो गई है गाइस, ग्रेवी खतरनाक, सब कुछ काट रखा है गाइस, एक एक करके सब छोक देंगे। तो गाइस ये हमने भोग लगाने के लिए निकाल दिया, अभी एक चीज की कमी है, मिक्स वेज की। मिक्स वेज अभी तैयार हो रही है, और बढ़ जाती है एक बार, उसके बाद लगाएंगे भोग और फिर बांटेंगे भाई, पूरी बढ़ेंगे भाई पूरी। मिक्स वेज सब्जी प्रिपरेशन, मिक्स वेज सब्जी बन जाएगी भाई, सारा सौदा आलू गोभी वगैरह वगैरह सब कुछ है इसमें। भोग लगा रहे हैं भाई, भोग लगने की तैयारी, भोग लगने के बाद फिर प्रसाद बटेगा पूरा, तो जल्दी से भोग लग जाता है फटाफट। तो भाई सुमित भाई हमारे सेवा में लगे हुए हैं, ये देखो भाई बढ़िया सेवा कर रहे हैं, अन्नकूट का प्रसाद बांट रहे हैं। ये कड़ी है गाइस, मिक्स वेज, मूंग दाल, चावल। तो भाई बढ़िया प्रसाद बट रहे हैं, ये अपने खिचड़ी, ये समय तो भाई लगे हुए हैं, सारे आए हैं भाई डोली लेके, ये हमारे सिरे भैया खड़े और ये सारे थैली में डोली में डलवा रहे हैं। ये देखो भाई बच्चे बच्चे भी डोली ले लेके आए हुए हैं, ये देखो जग, ये लड़की देखो लोटा ले रही है भाई, मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया सेवा चल रही है अन्नकूट के प्रसाद की, फुल सेवा भाई। बाजरा की दाल भाई, ले भाई तो देखो भाई, तेरे भाई ने मोटर बाट के कर दी खाली, चावल का हो गया खाली, कड़ी का हो गया खाली भाई साहब, ये देखो सब्जी फारिक कर दी। ये हमारे चाचा श्री लगे हुए हैं परले तरफ, जतिन ब्रो लगे हुए हैं बाजरा बांटने के लिए। गाइस हम लोग अभी बांट के करके फारिक चल दिए घर की तरफ, तो ये हमारे श्री ब्रो हैं, मूंग ले रहे हैं भाई, तो ये थैली में ले रहे हैं मूंग और एस और पूरी भी, और मैं ले रहा हूँ थोड़ी सब्जी, तो बांट के और फिर अपना थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके चल दिए हैं। चलिए आज मेरा तो भाई व्रत, हाँ तो मेरा तो व्रत, मैं तो खा नहीं पाऊँगा, तो बाकी सबको खाएंगे, यस शेरे वाला ये हम जरूर खा लेंगे, तो यस बेटा आप जरूर खा लोगे, मैं तो कुछ ही खा लूँगा, फास्ट में तो चलती है। सो गाइस अब चल दीजिए घर चलते हैं यार, क्योंकि बहुत थक गए हैं यार, आपको पता ही है सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, घर चलते हैं। तो भाई हम लोग आए हैं घर, और घर आते ही भाई मैं देखने को मिल रहा है कि गोवर्धन पूजा आज हो चुकी है, तो मतलब मेरे पीछे से हो चुकी थी, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ गोवर्धन कैसे बने हैं। तो भाई हम घर आए हैं, घर आके देखा तो भाई गोवर्धन की पूजा की गई है, ये देखो गोवर्धन महाराज कैसे कितने सुंदर बनाए हैं भाई, ये मेरी दीदी ने बनाया है, कविता और तनु दोनों ने मिल के, और ये देखो पूरा येलो येलो और वाइट वाइट करके कपड़े पहनाए गए हैं भाई, और ये पैरों में वो कड़े वगैरह, हाथों में बाजूबंद, ये ऊपर भी देखो तुलसी मैया के इसका वो बनाया गया, वाव, आँखें भी मतलब पूरा मुकुट वुकुट तुलसी से, ओ माय गॉड, मतलब एकदम ब्यूटीफुल बनाया भाई, थैंक यू दीदा। सो तुम ये अब मुझे चाय पिला दो जल्दी से, भूख लग रही है तकड़ी। हाँ सो हमारे ब्रो भी पियेंगे चाय, क्यों जतिन ब्रो मेरी ना बनाना, ओ जतिन ब्रो नहीं पियेंगे, बट हम तो पियेंगे यार, भूख लगी है बहुत, एक बार पहले चाय पी लेते हैं। सो गाइस आज हमने डलवा लिया काजल भाई, क्योंकि मम्मी ने डाल दिया काजल, वो गोवर्धन पूजा के बाद दिए से जो काजल निकाली थी भाई, तो मेरे यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब मेरे यहाँ पे उस पर काजल निकाल के और वो लगाई जाती है, तो भाई मम्मी ने लगा दी है। एंड आज हमारे पास सोने के लिए आए हमारे श्रेय ब्रो, बहुत दिनों बाद, लंबे अरसे बाद आए भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए हमारे श्रेय ब्रो भाई आज हमारे पास सोने के लिए आए, ये देखो आज भाई एक शादी का कार्ड आया था, और उस शादी के कार्ड पे गणेश जी भगवान थे, तो देखो मतलब ये गणेश जी का वो इसी कार्ड के ऊपर ही था इनविटेशन कार्ड पे, और हमारे श्रेय ने वो उतार के तिलक लगा लिया,
चिपका लिया पूरा सो रहा है। तो हम भी अभी खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं क्योंकि आज फास्ट था, तो चूरमे के साथ व्रत खोलना तो हम खोल चुके हैं। तो अब व्लॉग की एंड करते हैं क्योंकि अब व्लॉग एडिट वेडिट करना है। तो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।